अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अवेश और आप देख रहे हैं फाइन सुपर स्टोर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम का रिव्यू। बहुत ही फेमस नाइट क्रीम है ये और मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होती है। आप में से भी अक्सर लोगों ने इस क्रीम को यूज़ किया होगा या फिर इस क्रीम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस नाइट क्रीम का वाइटनिंग फार्मूला, कि आपने इस क्रीम के अंदर क्या चीज़ मिलाकर इसको इस्तेमाल करना है जिससे इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा हो जाए, और जब आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपके कलर को भी वाइट करे लेकिन आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपने फेस फ्रेश क्रीम के अंदर किन किन चीज़ों को ऐड करना है फार्मूला बनाने के लिए, और साथ ही मैं आपको उनकी प्राइस भी बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको फेस फ्रेश की पैकिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको ओरिजिनल फेस फ्रेश का अंदाज़ा हो जाए जब आप ये बाय करने जाएँ मार्केट में। जब आप ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं फेस फ्रेश के, एक ये पंपलेट निकलता है इनका और ये बॉक्स होता है, ये आप देख सकते हैं। जो ये ओरिजिनल बॉक्स होता है इस पर बेज नंबर लिखा होता है कंपनी का फेस फ्रेश का। एक बार मैं आपको ओपन कर कर और क्रीम का कलर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पहचान हो सके क्रीम की। देख सकते हैं फेस फ्रेश की इस क्रीम का कलर होता है पिंक कलर। पहले अक्सर जितनी भी क्रीम्स है, गोल्डन पर्ल या और भी नाइट क्रीम्स, उनका अंदर से कलर होता है वाइट या फिर ऑफ वाइट, लेकिन फेस फ्रेश की जो ये एक नंबर क्रीम है इसका कलर होता है पिंक। साथ ही मैं आपको इस क्रीम की प्राइस भी बता देता हूँ, या आप इजीली मार्केट से 180 से 200 तक बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। आपने सबसे पहले फेस फ्रेश की इस पूरी क्रीम को किसी बाउल वगैरह में निकाल लेना है, और इस क्रीम के अंदर जो आपने सबसे पहली चीज़ ऐड करनी है वो है फेस फ्रेश कंपनी का ही ब्यूटी सीरम, जो कि 10x फास्ट ब्यूटी सीरम है और बहुत ही आउट क्लास सीरम है। ये भी मैं आपको ओपन कर दिखा देता हूँ और साथ इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। ये आप मार्केट से 100 से 120 रुपीस तक ओनली बाय कर सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास सीरम है फेस फ्रेश का ये। आप इसको किसी ब्यूटी क्रीम वगैरह के अलावा किसी भी स्किन पॉलिश, ब्लीच या फेशियल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वाइटनिंग के लिए स्पेशल होता है। आपने ये भी फुल सीरम इस क्रीम के अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद जो आपने सेकंड चीज़ इस क्रीम के अंदर ऐड करनी है वो है आर्ची वाइट क्रीम। आउट क्लास क्रीम है, हम अपने कस्टमर्स को भी ये क्रीम देते हैं फार्मूला क्रीम में ऐड करने के लिए। एक आर्ची की सादा क्रीम होती है, लेकिन आपने सादा नहीं आर्ची वाइट क्रीम ऐड करनी है इसके अंदर। साथ ही मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ, ये आप मार्केट से 120 से 150 तक बाय कर सकते हैं आर्ची वाइट क्रीम। एक बार मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ इस क्रीम का कलर। ये आप देख सकते हैं इस क्रीम का कलर होता है स्किन। आपने ये भी फुल क्रीम इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और जो थर्ड चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है आर्ची पर्ल पाउडर कैप्सूल्स, जो कि वाइटनिंग के लिए और अगर आपकी स्किन पर छाइए वगैरह हैं तो इस चीज़ के लिए स्पेशल है। आपने एक पाउडर कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर लेना है। 50 रुपीज़ के दो वाइटनिंग कैप्सूल्स ही आपको मिलेंगे आर्ची पर्ल के। अगर आपको ये कैप्सूल्स आपकी मार्केट से मिल जाएँ तो अच्छी बात है, वरना आपने फिर इसके अंदर ये वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर लेने हैं, जो कि ईजिली आपको मिल जाएंगे। 5 रुपये का या 10 रुपये का ये वाइटनिंग कैप्सूल होता है, फिर आपने इसके अंदर दो ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर लेने हैं। अब इसके अंदर आपने फोर्थ और लास्ट चीज़ जो ऐड करनी है वो है तिब्बत स्नो क्रीम। बहुत ही आउट क्लास और पुरानी क्रीम है ये, लेकिन मार्केट में आज भी इसकी बहुत ही अच्छी सेल है और बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट मिलता है लेडीज़ को। तो आपने इसके अंदर ये क्रीम भी ऐड करनी है। एक स्पून या फिर 1.5 स्पून आपने इस फार्मूला क्रीम के अंदर ये भी ऐड कर लेनी है तिब्बत स्नो। इन सारों को एक बाउल में निकाल कर जिस तरह मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, फिर आपने इसका बना लेना है इन सब का मिक्सचर। और मिक्सचर बनाने के बाद जिस तरह फेस फ्रेश के बॉक्स में, इस बॉक्स में
जो भी आपके पास खाली बॉक्स हैं उसमें आपने उसको फिलअप कर कर और फ्रिज वगैरह में रखना है अगर आप उसको बना रहे हो गर्मियों में फार्मूले को। जैसा कि मैंने आपको इन सब की प्राइस बताई तो बहुत ही सस्ती ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जब इस फार्मूले को तैयार करेंगे तो बहुत सस्ता आपको ये फार्मूला पड़ेगा पूरा। लेकिन जब आप किसी ब्यूटी पार्लर जाकर फार्मूला क्रीम लेते हैं तो वो आपको 450 या 550 में सिर्फ छोटा सा बॉक्स देते हैं जो कि बहुत महंगी पड़ती है क्रीम। लेकिन अगर आप एक बार ये सारी बाय कर कर और अपना फार्मूला घर बनाकर रख लेते हैं तो फिर बहुत ही सस्ता आपको ये व्हाइटनिंग फार्मूला पड़ेगा। अब साथ ही मैं आपको इस फार्मूला क्रीम को यूज़ करने का तरीकेकार भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्रीम को अपने फेस पर लगाने से पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फेस वॉश करते हुए आपने कम से कम 2 मिनट हल्के हाथ से अपने चेहरे का मसाज ज़रूर करना है, क्योंकि जितना भी ऑयल, डस्ट या बैक्टीरिया वगैरह आपके फेस पर हो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और फेस को वॉश करने के बाद फिर आपने इस क्रीम का अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से लेप कर लेना है। और क्रीम को लगाते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला कि क्रीम को कभी भी अपने फेस पर आपने स्किन के साथ रगड़ना नहीं है, सिर्फ इस क्रीम का अपने पूरे चेहरे पर लेप करना है। और दूसरा, आपने क्रीम को कभी भी ओवर क्वांटिटी में या फिर कह लें ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना, कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा क्रीम लगाएं और जल्दी से अपने कलर को फेयर कर लें या फिर वाइट कर लें, लेकिन इसी वजह से आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। आपने हमेशा क्रीम को बिल्कुल लाइट क्वांटिटी के अंदर लगाना है और इसी तरह फिर आपने इस क्रीम को लगाने के बाद सारी रात अपने फेस पर लगे रहने देना है और सुबह उठकर अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसी तरह आपने इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव, आपकी स्किन पर लगाने से एलर्जी शुरू हो जाती है ये क्रीम, या फिर आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाना है। और इसी तरह आपने कम से कम 20 से 25 दिन इसको रेगुलर यूज़ करना है। 20 से 25 दिन में इस क्रीम का वाइटनिंग रिजल्ट आपके चेहरे पर इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इस फार्मूला क्रीम को 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है या फिर 3 बार इस्तेमाल करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्रीम का वाइटनिंग रिजल्ट भी आपके चेहरे पर रहेगा और आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगी। और सबसे मेन बात, जब आप ये फार्मूला क्रीम यूज़ कर रहे हो या फिर इसके अलावा कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है हीट वाली जगह पर जैसे धूप वगैरह में आने से ज़्यादा बचने की, क्योंकि आप जितनी मर्जी अच्छी कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर लें, अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा आएंगे या हीट वाली जगह पर, तो आपको कभी भी उसका अच्छा वाइटनिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को करते हैं एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।